नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं बिग न्यूज। बांका की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार एक तरफ दावा करती है कि सूबे में दहेज लेना देना दोनों अपराध है, वहीं शादी के करीब एक वर्ष बाद दहेज के लिए एक विवाहित की जिंदा जलाकर मारने का मामला सामने आया है। घटना बांका जिले के सदर अनुमंडल बांका थाना क्षेत्र के विशनपुर की है, जहां बताया जा रहा है कि दहेज के लिए प्रियंका को पहले मारा पीटा गया और सोमवार की सुबह उसको आग के हवाले कर दिया गया। हालत गंभीर होने पर परिजन उसको भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उसकी मौत होने पर परिजन शव को भागलपुर में ही छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी होने पर बाद में भाई समेत कुछ अन्य लोग भागलपुर गए, तब शव को बांका लेकर पहुंचे हैं। मामले को लेकर मृतका के भाई सुमित का कहना है कि करीब 15 माह पहले शादी बांका के विशनपुर में निरंजन सिंह के साथ हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद से ही दहेज के रूप में 2 लाख अतिरिक्त रुपये की मांग की जाने लगी, जिसको लेकर हमेशा उसको प्रताड़ित किया जाता रहा। लेकिन बीच बीच में पंचायती कर मामले को सलटाने की कोशिश होती रही, लेकिन ससुराल के लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे। इसको लेकर करीब एक माह पूर्व भी बहन की पिटाई कर उसके मायके मुंगेर के संग्रामपुर थाना के रामपुर घर भेज दिया गया था। इस बार भी परिजनों ने पंचायती कर मामले को सलटाने का प्रयास कर उसको ससुराल विशनपुर भेजा गया था। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जिसको लेकर भाई सुमित ने पति निरंजन सिंह सहित 4 लोगों के विरुद्ध दहेज के लिए जलाकर मारने की प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कह रहा है। वहीं मामले को लेकर टाउन थाना अध्यक्ष शंभु यादव ने भी घटना की पुष्टि करते हुए मामला दर्ज करने की बात कही, वहीं जल्द ही मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही। ये लोग दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया करता था, अच्छा। इसलिए वो बहुत परेशान रहा करते थे। एक महीना पहले भी ऐसा हुआ था, इसको घर से भगा दिया था, तो फिर सुलह करके हम लोग उसको भेजे थे यहाँ पे, लेकिन फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था और मारपीट भी बहुत कर रहा था ये लोग। मृतक का क्या नाम है? मृतिका का नाम है उस प्रियंका कुमारी। उसके पति का? पति का नाम निरंजन कुमार सिंह। कब शादी हुआ था? यही 14-15 महीना पहले लगभग। अच्छा, शादी के बाद से जो है तंग करने लगा? हाँ, शादी के बाद से उससे और पैसा का डिमांड करने लगा ये लोग। कितना पैसा मांगता था? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया और कुछ पैसा पहले शादी में लिया भी था। अच्छा, और पैसा की डिमांड करता। इसका ससुराल कहाँ है? बिशनपुर, बांका बिशनपुर। बांका बिशनपुर ससुराल है। घर कहाँ है? घर रामपुर है। संग्रामपुर थाना। तो घटना कब हुई? घटना कल सुबह 5 बजे। ये फिर बांका लेकर कैसे आए? बांका वो लोग छोड़ के चले गए इसको। कहाँ छोड़ दिए थे? भागलपुर में। भागलपुर में कहाँ? मायागंज हॉस्पिटल में। अच्छा, उसके बाद तब हम और मेरी चाची है साथ में, तब हम दोनों मिल के इसको लेके आए। अच्छा, पोस्टमार्टम कराने? पोस्टमार्टम कराने के लिए। FIR वगैरह कराए? हाँ, FIR करवा दिए हैं। कितने लोगों के विरुद्ध? ये 3 या 4 लोग के। कौन कौन है इसमें? इसमें उसका पति और उसका माँ और पापा। पति का क्या नाम है? पति का नाम निरंजन कुमार सिंह। बिशनपुर? बिशनपुर, हाँ। आपका नाम? सुमित कुमार। बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र के कटोरिया मुख्यालय से सटे कांवरिया धर्मशाला के समीप मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक तेज रफ्तार कार और बाइक आमने सामने टकरा गई, जिससे बाइक पर सवार एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा बुजुर्ग का पुत्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए देवघर ले जाने के क्रम में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आनंदपुर ओपी क्षेत्र के बगरा गांव निवासी 70 वर्षीय गुमा यादव एवं उनका पुत्र 30 वर्षीय पवन यादव गांव में होने वाली गंवाली पूजा के लिए खरीदारी करने अपने बाइक से कटोरिया बाजार आए थे। यहां पूजा सामग्री की खरीदारी करने के बाद वे दोनों वापस अपने गांव लौट रहे थे। बाइक पवन यादव चला रहा था, जबकि गुमा यादव बाइक पर पीछे बैठे थे। बताया गया कि जब वे अपने घर लौटते हुए सुइया रोड में कांवरिया धर्मशाला के समीप से गुजर रहे थे, तभी सामने सुइया की ओर से आती एक तेज रफ्तार कार उन्हें जोरदार टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी बाइक घसीटती हुई सड़क किनारे दूर फेंका गया। इस हादसे में पवन यादव के पिता गुमा यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पवन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से पवन को अस्पताल जाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे देवघर रेफर कर दिया गया था, और इसी क्रम में इनकी भी मौत हो गई।
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल जल योजना अमरपुर प्रखंड में दम तोड़ती नजर आ रही है। कहीं सभी घरों में पानी का कनेक्शन नहीं है तो कहीं कनेक्शन दिया भी गया है तो नल में पानी ही नहीं आ रहा है। विभाग द्वारा कहीं कनेक्शन किया भी जा रहा है तो ठेकेदार द्वारा पाइप बिछाने में घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। ठेकेदार के द्वारा पाइप कम होने की वजह बताकर घरों के अंदर नल नहीं लगाकर अधिकतर घरों के बाहर ही नल लगा दिया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना हाथी के सफेद दांत की तरह हो गई है। अमरपुर प्रखंड के रतनपुर मकदुमा पंचायत के वार्ड नंबर 10 में कुछ घरों को छोड़कर अधिकतर घरों के बाहर कनेक्शन किया गया है लेकिन नल में पानी ही नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस योजना के नाम पर विभाग द्वारा काम के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रुपये की बंदरबांट कर ली गई है जिसके वजह से जल मीनार केवल शोभा की वस्तु बन गई है। गांव में पेयजल की किल्लत होने के कारण ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। श्याम मंडल, राजा लाल साह, मनोज गुप्ता, जागृति रंजन, विजय कुमार दुबे, संजय कुमार साह, साकेत कुमार, संजीव कुमार साह, राहुल कुमार समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों ने विभाग के संबंधित पदाधिकारी से कई बार बात भी की लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से अविलंब मामले की जांच कर ग्रामीणों को नियमित पानी देने की मांग किया है। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।